नमस्कार, आज हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा हम आर्टरीज, हार्ट के वॉल्व, वेन्स आदि के बारे में पता करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। और ये कार्डियक कैथेटराइजेशन दो तरह का होता है, लेफ्ट हार्ट कैथ और राइट हार्ट कैथ। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट फॉर ए लेफ्ट हार्ट कैथ। लेफ्ट हार्ट कैथ के लिए मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट क्या होगी कैथेटर की? तो इसका आंसर है परक्यूटेनियस फीमोरल आर्टरी। लेफ्ट हार्ट कैथ करना है तो परक्यूटेनियस फीमोरल आर्टरी इज़ द मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट काइंड्स ऑफ कैथेटर इज यूज्ड इन ए लेफ्ट हार्ट कैथ। लेफ्ट हार्ट कैथ में हम किस तरह का कैथेटर यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर है पिगटेल कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट फॉर राइट हार्ट कैथ। इसका आंसर है फीमोरल वेन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कैथेटर इज यूज्ड इन ए राइट हार्ट कैथ। कौन सा कैथेटर यूज़ करेंगे राइट हार्ट कैथ में? तो इसका आंसर है स्वैन गैंस कैथेटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द लेफ्ट हार्ट कैथ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू व्हाट। लेफ्ट हार्ट कैथ के लिए हम कर रहे हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी हमें? इसका आंसर है ऑर्टा के बारे में, कॉरोनरी आर्टरी के बारे में, ऑर्टिक वॉल्व के बारे में, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बारे में एंड मिट्रल वॉल्व के बारे में, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो हार्ट है उनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इन द कैथ लैब। कैथ लैब में सबसे मोस्ट कॉमन प्रोसीजर कौन सा होता है? तो इसका आंसर है कोरोनरी एंजियोग्राम। सेवन्थ क्वेश्चन है, कार्डियक कैथेटराइजेशन इज गाइडेड बाय, यानी कार्डिक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं यदि हम, तो उसके लिए हमें फ्लोरोस्कोपी की ज़रूरत होगी। फ्लोरोस्कोपी द्वारा ये गाइडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द पेशेंट रिगार्ड्स टू द रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक जब हम यूज़ कर रहे हैं कार्डिक कैथेटराइजेशन के दौरान, तो हमें पेशेंट से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए? उसका आंसर है कि इज़ द पेशेंट एलर्जिक टू शेलफिश, क्योंकि रेडियो ओपेक डाई होती है तो वो शेलफिश से एलर्जिक तो नहीं है, ये हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू मेडिसिन डू यू गिव फॉर रेडियो ओपेक एलर्जी। रेडियो ओपेक एलर्जी के लिए हम क्या मेडिसिन पहले पेशेंट को देंगे? तो इसका आंसर है एंटी हिस्टामिन्स देंगे एंड मैथिल प्रेडनिसोन देंगे, ये एलर्जी नहीं हो इसके लिए देते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द कॉन्ट्रास्ट एजेंट कॉज। कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या क्या कर सकता है पेशेंट को? तो इसका आंसर है इंड्यूस नेफ्रोपैथी, यानी किडनीज पे वो इफेक्ट डाल सकता है और एक्यूट रीनियल फेलियर पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू नीड टू डू व्हेन कैथेटर इज रिमूव एंड व्हाई। जब आपने कैथेटर रिमूव कर दिया है तो क्या करेंगे आप? तो इसका आंसर होगा यू नीड टू अचीव हीमोस्टेसिस, क्योंकि उस जगह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हमें हीमोस्टेसिस मेंटेन करना होता है। सो देयर नीड्स टू बी प्रेशर पुट ऑन द साइट। जो साइट से हमने कैथेटर रिमूव किया है वहाँ पर प्रेशर पुट करेंगे जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, व्हाट पल्सेस असेस्ड फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी असेस करने के लिए हम कौन सी पल्सेस असेस करेंगे? तो ये है डॉर्जेलिस पैडिस एंड पोस्टीरियर टीबियल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पल्स असेस फॉर अपर एक्सट्रीमिटी। इसका आंसर है रेडियल पल्स। फोर्टीन क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग मस्ट पेशेंट बी इन बेड रेस्ट। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद कितनी देर के लिए पेशेंट को बेड रेस्ट दी जानी चाहिए? तो इसका आंसर है 2 to 6 hours आफ्टर द प्रोसीजर। 15th क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट पेशेंट अवॉइड मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड लिम्ब। अफेक्टेड लिम्ब की जो रिपीटेड मूवमेंट है वो पेशेंट को कितनी देर के लिए अवॉइड करनी चाहिए? तो इसका आंसर है 24 to 48 hours।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रेशर एग्जांपल हाउ लॉन्ग इट इज़ यूज्ड। यदि हम मैकेनिकल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं कैथेटर साइड पे कैथेटर रिमूव करने के बाद में तो कौन सा यूज़ करेंगे, तो उसका आंसर है फीमोस्टॉप। और कितनी देर के लिए यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर है 30 मिनट, फीमोस्टॉप फॉर 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टी आर बैंड यूज फॉर। टी आर बैंड का यूज़ क्यों करते हैं हम, आंसर है इसका रेडियल कंप्रेशन। तो ये कार्डियक कैथेटराइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।